छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में करोड़ों के घोटाले का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। पूर्व अध्यक्ष देवजी भाई पटेल ने खुद को पूरे मामले का प्रत्यक्ष गवाह बताते हुए हाईकोर्ट से इंटरविनर बनने का अनुरोध किया है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। उन्होंने ये कहकर मामले को नया मोड़ दे दिया है कि 2005 में अब तक पाठ्य पुस्तक निगम में कई भ्रष्टाचार हुए हैं, जिन्हें वो दस्तावेजी प्रमाण के साथ हाईकोर्ट में रखेंगे। ऐसा हुआ तो प्रदेश के कई बड़े अफसरों का इसकी जद में आना तय है। छत्तीसगढ़ के चर्चित पाठ्य पुस्तक निगम घोटाले में नया मोड़ आ रहा है। बीजेपी नेता देवजी भाई पटेल ने इस मामले में लीगल एंट्री मारी है। दरअसल पाठ्य पुस्तक निगम की जिस 51वीं बैठक को लेकर पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने करोड़ों की आर्थिक अनियमितता का केस दर्ज किया है, उसी कार्यकारिणी के फैसले और एजेंडे पर तत्कालीन प्रबंध संचालक संजय अलंग के साइन भी हैं। लेकिन 26 जून को संजय अलंग ने बताया कि उन्होंने ये हस्ताक्षर किए ही नहीं, लेकिन तत्कालीन अध्यक्ष देवजी भाई पटेल अलंग के इस इनकार को खुद पर प्रश्न चिन्ह मानते हुए हाईकोर्ट पहुंच गए। अब इंटरविनर स्वीकार किए जाने के बाद वो पाठ्य पुस्तक निगम में हुई अब तक की सारी गड़बड़ियों का कच्चा चिट्ठा तैयार कर रहे हैं। देवजी भाई पटेल सारे मामलों को हाईकोर्ट में रखकर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। 2005 से जब पाठ्य पुस्तक निगम जो है बना है, उस समय से लेके अभी 18-19 तक पूरे कार्यकाल की जांच कर दी जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं न्यायालय के समक्ष इन सारे प्रकरणों को न्यायालय से मैं मांग करूंगा कि इसकी तो सीबीआई जांच कराई जाए। देवजी भाई पटेल ने राज्य सरकार को भी चुनौती दी है कि सिर्फ 2015 से 2018 तक के उनके कार्यकाल की नहीं, बल्कि 2005 यानी जब से पाठ्य पुस्तक निगम का गठन हुआ है तब से लेकर अब तक हुई सारी गड़बड़ियों की जांच करा ली जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनकी इस चुनौती पर पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि अगर पूर्व अध्यक्ष के पास गड़बड़ी से जुड़ी कोई जानकारी है तो इसे सरकार को दें, सरकार जरूर जांच कराएगी। यदि देवजी भाई पटेल के पास अपने कार्यकाल या अपने कार्यकाल के पहले की भी कोई जानकारियां हैं तो उन्हें इसे सरकार को देना चाहिए। यदि कहीं पर भी किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो सरकार उसकी जांच अवश्य कराएगी। पाठ्य पुस्तक निगम में घपले और घोटाले की किताब काफी पुरानी है। ऐसे में अगर पुराने सभी मामले दस्तावेजी सबूतों के साथ हाईकोर्ट गए और कोर्ट ने इंटरविनर बने पूर्व अध्यक्ष का अनुरोध स्वीकार कर लिया तो निगम से जुड़े प्रदेश के कई बड़े अफसरों की मुश्किल बढ़ना तय है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।